तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। यह मेरे पास देखिए होंडा कंपनी का होंडा साइन बाइक है, यानी कि साइन BS6 न्यू मॉडल FI वाली ब्रिलियंट बाइक है। चाहे आपके पास साइन है या फिर SP125cc है, उस बाइक में यहाँ पर देखोगे कि तो फ्रेंड्स फ्रंट में जो डिस लगा है उसमें दो मॉडल का डिस आता है। इससे पहले जो बाइक था होंडा साइन SP उसमें मास्टर सिलेंडर एक तो फ्रेंड्स डिस कैलिपर लगा, उसमें आपको 3 पिस्टन मिल रहा था। एक जो रियर वाले ब्रेक दबाते थे उस टाइम जो फ्रंट वाला ब्रेक काम करता था, जिसको हम लोग कॉम्बो ब्रेक बोलते हैं। एक जो जैसे फ्रंट वाले दबाते सिर्फ फ्रंट वाले ब्रेक काम करता था, लेकिन रियर वाले जो ब्रेक दबाते थे उस टाइम रियर फ्रंट दोनों ब्रेक काम करते, उसको कॉम्बो ब्रेक बोलते हैं। फिलहाल अभी भी इस बाइक में कॉम्बो ब्रेक ही है, लेकिन यहाँ पर आप जो कॉम्बो ब्रेक का सिस्टम दे वो फ्रंट वाले यहाँ पे डिस मास्टर सिलेंडर के पास जैसे ब्रेक पैडल को यहाँ पे दबाएंगे तो मास्टर सिलेंडर से कॉम्बो ब्रेक वर्क करेगा यहाँ से। लेकिन इससे पहले वाले जो बाइक था उसमें दो ठो पाइप लगा था, आप देखिए दो ठो पाइप लगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्रंट में जो बाइक का जो डिस लगा उस डिस को थोड़ा यूनिक कर दिया, यानी कि इससे पहले वाले बाइक में डिस जो थोड़ा लंबा लगा था, लेकिन अभी जो है इसमें डिस को छोटा कर दिया है। उस बाइक में डिस जो है थोड़ा लंबा लगा था और डिस पैड भी चेंज हो गया था, लेकिन अभी जो SP125 है या फिर साइन आपके पास साइन 125cc बाइक है, इस बाइक में डिस्क को चेंज करके थोड़ा छोटा डिस्क कैलिपर दे दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इस बाइक में डिस्क से अभी काफ़ी ज़्यादा घर घर का साउंड आ रहा है। तो अब इस बाइक में कौन सा डिस्क पैड फिट होगा, हुंडा वाले फिट होगा या दूसरा फिट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डिस्क का मॉडल जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है कंपनी ने, बिल्कुल छोटा सा डिस्क दे दिया। चलिए अब हम डिस्क को यहाँ से ओपन करते हैं और आप लोग को दिखलाएंगे इसमें कौन सा डिस्क ब्रेक फिट हो जाएगा। इससे पहले अब यहाँ पर थोड़ा पीछे की तरफ दबाइए, तो पीछे की तरफ बाइक को दबाइए, डिस्क से घिस घिस का साउंड है, यानी कि डिस्क पैड जो है जिसको हम लोग डिस्क पैड बोलते हैं, डिस्क शू बोल सकते हो, डिस्क शू इसका ख़राब हो गया, बिल्कुल घिस गया है। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे डिस्क कैलिपर को ओपन कर लेते हैं। डिस्क देखिए डिस्क कैलिपर जो है मेरा खुल करके बाहर आ गया, यही वो डिस्क पैड है, डिस्क शू है जो ख़राब हो गया। तभी हम क्या करें 8 mm का रिंग स्पिनर से बोल्ट को ओपन करेंगे तो डिस्क कैलिपर डिस्क पैड जो प्रॉपर खुल करके बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा बाइक का डिस्क पैड डिस्क शू, जो कि देखिए आप बिल्कुल घिस गया है। इसका जो ऊपर में जो भी मेटल है मेटल बिल्कुल घिस गया है, सिर्फ और सिर्फ इसका प्लेट डिस्क पैड पे जो है बचा, सिर्फ पैड रह गया। और क्या होता है ये जो है ये डिस्क प्लेट से टच करने लगता था, इसके ऊपर घिस घिस का साउंड आने लगता था। और आपको बताया थे कि अभी जो बाइक है इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल पिस्टन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए अभी जो बाइक है इसमें सिंगल पिस्टन मिल रहा है, इससे पहले वाले बाइक में आपको डबल पिस्टन मिल रहा था। तो अभी क्या करेंगे हम इस डिस्क पिस्टन को यहाँ से एडजस्टर प्लास के मदद से इसको प्रॉपर हम दबा लेंगे, इसको डिस्क पिस्टन को दबा दे अंदर चला गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क कैलिपर के ऊपर में जो पिन लगा है इसके ऊपर थोड़ा हम ग्रीस का यूज कर लेंगे। अब चाहे तो नया वाला इंजन ऑयल भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा हम ग्रीस का ही यूज करते हैं। ये पिन आपको प्रॉपर फ्री होना चाहिए, पिन जाम रहेगा तो फिर आपका डिस्क पैड बार बार ख़राब होगा। इस हॉल में हम थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस को डाल देंगे यहाँ पे, फिर इसको देखिए आस्ते समय यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। ये पिन जो है हाथ से बाहर निकलना चाहिए, देखिए इस तरह से बिल्कुल ये फ्री हो गया। डिस्क बॉकेट को भी हम दबा दें। मार्केट में हुंडा का जेनुअन नहीं मिल रहा है उस टाइम आप यहाँ सलूटो बाइक का डिस्क पैड प्रॉपर फिट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सलूटो जैसा ही यहाँ पे डिस्क पैड देख रहे हैं आप, सलूटो बाइक का यहाँ जो सलूटो बाइक है उसका डिस्क पैड प्रॉपर आपको फिटिंग हो जाएगा। साइन है न्यू मॉडल BS6 या SP BS6 है, जिस बाइक में छोटा वाले डिस्क लगा है दोस्त, ये छोटा वाले डिस्क कैलिपर लगा उसमें आपको सलूटो बाइक का डिस्क पैड प्रॉपर फिट हो जाएगा। डिस्क पैड का प्राइस का बात करते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ कंपनी का जेनुअन डिस्क पैड है और यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेक पैड सेट। अगर इसका प्राइस का बात कर ले तो 298 रुपया प्राइस है, वो भी 2021 का पैकिंग है और ये इसका पार्ट नंबर का, लेकिन ये यहाँ का जेनुअन डिस्क पैड है फ्रंट वाला। यहाँ देखिए ये रहा डिस्क पैड जो कि कुछ इस तरह से पैकिंग है, आप मार्केट वाले भी फिट कर सकते हैं। अगर आपको साइन का नहीं मिल रहा है तो आप सलूटो का मार्केट वाला भी फिट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर साइन का स्पेशल मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए दोनों में आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा। देखिए दोनों डिस्क पैड प्रॉपर सेम है, जो नया वाला है जो पुराना वाला है। सलूटो वाले डिस्क पैड प्रॉपर फिट हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसको हम फटाफट यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं इस तरह से।
तो फ्रेंड्स देखिए दिस पैड को हमने सेटिंग कर लिया। अब चले बाइक में इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बोल्ट को हम प्रॉपर टाइट कर लिया यहाँ पे। अब उसके बाद 8 mm का 3 इंच लेकर इस बोल्ट को भी प्रॉपर टाइट कर लेंगे। बोल्ट कोई भी ढीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो डिस्क से खटखट का साउंड आएगा और बोल्ट खुल जाएगा तो फिर आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस लीवर को हम 2-3 बार इस तरह से पुश करेंगे ताकि डिस्क जो है प्रॉपर टाइट हो जाए। अब ये टाइट हो गया। अब चलिए आपको हम फ्रंट वाले व्हील को थोड़ा मूव करके दिखला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्क प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ से एयर भी यहाँ से आपको एयर निकाल देना। चलिए हम आपको एयर निकाल कर भी दिखलाते हैं। एयर निकालते वक्त आपको क्या करना, डिस्क लीवर को इस तरह से दबा करके रखना है। उसके बाद इस नट को ढीला करना है। देखिए एल थोड़ा बाहर निकला, फिर इस नट को टाइट कर लेना है। टाइट कर लें फिर उसके बाद इस लीवर को छोड़ करके इसको 2-3 बार इस तरह से पुश कर लेना है। इसी तरह से आप 1-2 बार एयर को बाहर निकाल सकते हैं, इसको ब्लेडिंग करा सकते हैं। और एक चीज़ और, आपको जहाँ पे यहाँ पे डिस्क आयल देखिए थोड़ा बहुत गिर गया, यहाँ पे आपको तुरंत पानी डाल देना, नहीं तो इसका कलर जो है डिस्क कलर कर देगा। क्योंकि डिस्क ब्रेक आयल जो है डिस्क आयल हो काफ़ी हार्ड होता है। अभी थोड़ा हम पानी डाल दिया ताकि धुल जाएगा। चलिए इस कैप को हम सेटिंग कर लेते हैं। प्रॉपर वर्क कर रहा है और अब देखिए डिस्क आयल भी प्रॉपर सही है। अगर आप चाहें तो इस कैप को ओपन करके डिस्क आयल इसमें भर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं, पर अभी डिस्क प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए।